सो गाइस नमस्कार सभी को। अब हम जा रहे हैं ये रानीखेत से अल्मोड़ा की तरफ, और अल्मोड़ा से अब हम निकल रहे हैं। ये चिताई गुरु देवता का टेंपल है जिसको विजिट किया है। सुंदर पहाड़ हैं, मस्त एकदम। राइड करने का मज़ा आता है उत्तराखंड में, जब भी मैं गया हूँ। आज शाम को जो हमको मतलब नाइट स्टे करना है वो बिनसर में है। बहुत अच्छा छोटा सा एक आइसोलेटेड प्लेस है, सुंदर जगह है, व्यू बहुत अच्छा है वहाँ से। तो अगर आप जा रहे हैं उस तरफ, बिनसर को कंसिडर कर सकते हैं एक पीसफुल वेकेशन के लिए, शांति वाले। और रोड कंडीशन बहुत अच्छी थी। रास्ते में कई सारे आपको टेंपल्स मिलते हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं, जैसे कि चिताई गुलू टेंपल जो विजिट किया था पीछे, अच्छा टेंपल है वो। उसमें एक अद्भुत बात ये है कि लोग चिट्ठियां लिखते हैं भगवान को, जिनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है उसके लिए वो जस्टिस के देवता माने जाते हैं। तो लोग वहाँ आकर के चिट्ठियां अपनी लिखते हैं, उनको रजिस्टर कराते हैं, और ये ऐसी मान्यता है उस मंदिर की। तो उनके दर्शन करने के बाद में मैं और मेरे दोनों फ्रांसीसी दोस्त अब हम जा रहे हैं बिनसर की तरफ। बहुत सुंदर रास्ते मिलते हैं, ये जो फॉरेस्ट है ये इनको और सुंदर बनाता है। रास्ता जो रोड कंडीशन है वो अच्छी है, बाकी पहाड़ों के अंदर आराम से ही चलने का, आराम से ही चलें, क्योंकि जो कर्व्स आ रहे हैं, जो जिसकी आदत हमको नॉर्मली नहीं रहती है, जो नीचे इलाके में रहते हैं दिल्ली और प्लेन लैंड पर जो रहते हैं, तो जो ये जो मोड़ आते हैं ना, ये मोड़ पे बहुत आराम से हमको निकलना है। और कभी आप राइड के लिए जा भी रहे हैं तो हेलमेट वगैरह का उपयोग करें। तो ये बिनसर की तरफ हमारा जाने का प्लान है, और प्लान ही नहीं है, फिक्स ही है। और तो ये इस वीडियो में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है रोड रास्ते जो नेचर से भरे हुए हैं, पेड़ पहाड़। उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, और मुझे उत्तराखंड में राइड करने में बहुत अच्छा लगता है। कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं होती, और रोड्स ऑलमोस्ट सारे अच्छे ही हैं इसके। तो आज का सफ़र हमारा शुरू जो हुआ था वो रानीखेत से हुआ था, लेकिन बीच में हमने सूर्य टेंपल विजिट किया था जिसका वीडियो इस पर मैंने अपलोड किया हुआ है। और उसके बाद में हम कोसी क्रॉस करके अल्मोड़ा का मार्केट का एक छोटा सा वीडियो मैंने इस पर डाला है। अल्मोड़ा एक बहुत बड़ा जगह है उत्तराखंड के अंदर, काफ़ी सारे कॉलेजेस, काफ़ी सारे स्कूल वहाँ पर हैं, और बड़ा मतलब एक शहर है वो। और उसके बाद में अल्मोड़ा से हम आगे बढ़ के चिताई गोलू टेम्पल का, ये जो आप देख रहे थे अभी, वो विजिट किया। उसकी भी एक वीडियो मैंने छोटी सी अपलोड करी है अपने इस चैनल पर। और प्रॉब्लम क्या है कि वीडियोस बनाते हैं जब हम गोप्रो से, तो मतलब पता ही नहीं रहता कितनी लंबी वो बन रही है, और उसके बाद हम लॉस्ट हो जाते हैं कि भाई कैसे इसको अपलोड करें, कैसे इसको इन्फॉर्मेटिव बनाएं। और अभी थोड़ा सा कैमरे के सामने बोलना, मतलब जो रियलिटी है वो है, आसान नहीं रहता है, मतलब थोड़ा हेजिटेशन काइंड ऑफ होती है। तो कभी कभी चीज़ें बहुत लंबी बन जाती हैं, दो दो तीन तीन घंटे की, जो कि अपलोड करने में भी आप सोचते हो। इसलिए मैंने इस पूरे डे को ना 4-5 पार्ट में अपलोड किया है। अभी ऐसी और भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, और कोशिश करूँगा थोड़ा और उसको बेहतर करने की फ्यूचर में। तो खैर, तो ये मेरे ख्याल से हर उस वीडियो वाले की प्रॉब्लम रहती होगी शुरुआत में, जब तक उसको नॉलेज नहीं मिल रही है, क्योंकि एडिटिंग करना या उसको समझना ये भी एक कॉस्ट इसकी पड़ती है। अगर आपके पास कॉस्ट है एक्स्ट्रा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो ये सारे काम खुद से ही करता हूँ। तो खैर, ये हमारी उत्तराखंड की राइड है, और 10 दिन का हमारा ये ट्रिप था मेरे जो विदेशी दोस्त थे उनके साथ में। और एवरीडे हम 100-150 किलोमीटर चलते हैं, और आज की शाम हमको बिनसर में गुजारनी है, और जो कि बहुत सुंदर सा एक छोटा विलेज है, और वहाँ से व्यू भी हिमालय पर बहुत अच्छा आता है। तो
ये जो बाकी ये जो रास्ते हैं जिगजैग वाले और लेफ्ट ट्रैफिक होता है इधर कई सारे एरियाज में, जब आप बड़ा शहर क्रॉस कर रहे हैं ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, लेकिन जैसे ही आप शहर क्रॉस कर देते हो तो ट्रैफिक आपको बहुत लेस मिलता है। अभी क्या है ना, हम बिनसर पहुँचने वाले ही हैं, तो ज़्यादातर होटल्स क्या है ना आइसोलेटेड होते हैं सिटीज़ से और दूर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, तो उनके लिए आपको थोड़ा मेन रोड छोड़ के ऑफ रोड थोड़ा लेना पड़ता है या कच्चा रोड हो गया गाँव का, तो ऐसे ही करके कुछ किलोमीटर मेन रोड से हमको कच्चे रास्ते लेना था होटल तक जाने के लिए। पीछे हमारे राइडर्स आ रहे हैं दोनों, लेकिन जब भी हम ऐसे कुछ रास्ते लेते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा और अलग देखने को मिलता है, और क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं गए हुए होते हैं तो वो साफ नज़र आता है। और ये वो रास्ता था जो करीब 3 से 4 किलोमीटर का, मैं यहाँ पर रास्ता भी भूल गया था, तो ये जो कि यहाँ पर बिनसर का जो जो होटल है हमारा उधर तक हमको ले जाने के लिए कच्चा रोड था, तो एक कर्व आया तो सामने राइडर्स आ रहे थे तो मैं थोड़ा स्लो हो गया हूँ। बाकी पक्का रोड नहीं है तो थोड़ा कैमरा भी हिल रहा है। नज़ारे बहुत सुंदर हैं, हर मोड़ पर पल पल पे आप जब सिटी लाइफ जीते हो और फिर ऐसी जगह पहुंचते हो तो मन करता रहता है इसकी फोटो लो, उसका वीडियो बना लो, इधर का उधर का हर पल पल पर, मतलब आपको ऐसे मौके मिलते रहेंगे जहां आपका रुकने का मन करेगा। और यही कारण, यही एक रीज़न है, कारण है कि मेरे से बहुत सारी वीडियोस बन जाती हैं और मैं फिर खुद ही लॉस्ट हो जाता हूँ कि कौन सी वीडियो कैसे अपलोड करूँ। तो कुछ ही मिनट में हम बिनसर पहुँचने वाले हैं, जैसे जैसे होटल के पास पहुँच रहे हैं रास्ता भी थोड़ा नैरो हो रहा है और व्यू भी सामने, खैर सूरज सामने से पड़ रहा है तो दिख नहीं पा रहा, लेकिन माउंटेन्स पर व्यू बहुत अच्छा होता जा रहा है। और मुझको लगता है कि जैसा मुझे लगा था कि होटल से अच्छा व्यू होगा, तो वहाँ से बिनसर का जो होटल था एक होम स्टे था, ये ऐसी जगह आपको काफ़ी सारे होम स्टे मिल जाते हैं जहाँ पर छोटी छोटी फैमिलीज आपका ध्यान रखती हैं और खाने वाने का। अभी ये हमारे होटल की एंट्री हो गई है और हमारी गाड़ी जो थी बैकअप व्हीकल वो पहले ही आ चुकी है क्योंकि मैं रास्ता भूल गया था, तो हमारे बंदे यहाँ ऑलरेडी खड़े हुए हैं, तो ये बैकअप व्हीकल हम लेके चलते हैं साथ में थोड़ा ऑर्गेनाइज होकर के, क्योंकि बाइक से आपको कब कहाँ प्रॉब्लम हो जाए यू नेवर नो। ये हमारा आज का ठिकाना है, यहाँ हम रुकेंगे और पहुँच गए हैं हम सही सलामत। 120 किलोमीटर का हमारा राइड था, सेकंड डे था ये राइड का, दोनों मेरे फ्रेंड जो हैं वो भी आराम से आ गए हैं और अब हम जाएंगे होटल के अंदर, तो वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये होटल के ओनर साहब हैं मिस्टर शर्मा और यही इसको संभालते हैं, इनकी पत्नी है ये पीछे मैम, बाकी ये इनका छोटा सा एक होटल उन्होंने बनाया है जिसको ये एक्सपेंड कर रहे हैं और बहुत अच्छी जगह है, शांति प्रिय है, बहुत अच्छे व्यू के साथ, तो अगर आप जा रहे हैं रानीखेत और अल्मोड़ा की तरफ तो इसको ज़रूर कंसिडर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, बाय।